आज हम बात करेंगे बिहार के उस लाल की जिसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे देश के लाखों युवाओं को रोजगार मिला। लगभग 2.5 लाख लोग उस व्यवस्था से जुड़े हैं और बिहार की मुश्किल की घड़ी में वो बिहार का बैकबोन बनता है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने SIS का गठन किया, रविंद्र किशोर सिन्हा। आज उनका 70वां जन्मदिन है, 22 सितंबर 1951। बहियारा जो आरा में एक जगह है, सोन के एक तट पर बसा है, वहां पर रविंद्र किशोर सिन्हा का जन्म होता है। वो बताते हैं कि सोन के किनारे होने की वजह से कई सालों तक बाढ़ का पानी गांव में आता रहा और नुकसान झेलना पड़ा। मजबूरन रविंद्र किशोर सिन्हा पटना आए जहां पर उन्होंने अपनी पढ़ाई की और परिवार के साथ वहां रहे। छोटी सी उम्र में ही अपनी समझदारी और सूझबूझ के कारण उन्होंने तय किया कि वो पत्रकारिता का क्षेत्र ज्वाइन करेंगे। तब की चर्चित अखबार सर्च लाइट में उन्होंने पार्ट टाइम जॉब शुरू किया। वो साथ साथ पटना के AN कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई भी कर रहे थे। छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी हुई तो सर्च लाइट ने उन्हें मौका दिया कि 1971 यानी कि भारत और पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है उस युद्ध को कवर करने भेजा जाए। वहीं RK सिन्हा की मित्रता वहां के फौजियों से बढ़ी जहां से SIS की नींव का आइडिया उनके दिमाग में तैयार होना शुरू होता है। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश हुआ तो कई सैनिक बेरोजगार हो गए। उन बेरोजगार सैनिकों को लेकर जयप्रकाश नारायण की चिंता खूब रही और RK सिन्हा जयप्रकाश नारायण के सबसे परम शिष्य थे। चिंता व्यक्त करते हुए कभी जयप्रकाश नारायण ने कहा कि बेटा, ये जो सैनिक यहाँ से बेरोजगार हो रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि हम लोग इन्हें नक्सली बनता हुआ देखें और इनका सरेंडर कराते हुए प्रदेश और देश भर में घूमें। कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे इन्हें रोजगार मिले, क्योंकि इनके पीछे एक परिवार है जिसके पास कुछ भी नहीं है। जयप्रकाश नारायण के संस्कारों से सीख, बातों से सीख, RK सिन्हा ने समाज की सेवा करते हुए एक ऐसे संस्थान की गठन का निर्णय लिया जिससे ये जो बेरोजगार फौजी थे उन्हें नौकरी मिलती। SIS का गठन होता है पटना में एक छोटे से गैराज से और वहां से सुरक्षा कर्मियों की बहाली का सिलसिला शुरू होता है। बढ़ते बढ़ते एक साल में यह आइडिया खूब सक्सेसफुल होता है और लोगों की संख्या 14 से बढ़कर 300 हो जाती है। कंपनी का टर्नओवर लगभग 1 लाख का हो जाता है। उस बीच कई सारी परिस्थितियां होती है। RK सिन्हा खुद पत्रकारिता से अपना मोह छोड़ नहीं पा रहे होते और पत्रकारिता करते हुए इससे पहले जो उन्होंने कुछ पैसे बचाए थे उसका इस्तेमाल करते हुए SIS का गठन हुआ था। आपको हम अब एक साल पीछे की कहानी बताएंगे, एक साल पीछे ले चलेंगे। दरअसल किस घटना ने मजबूर किया था कि RK सिन्हा भी इस बात का फैसला लेते। सर्चलाइट में जब RK सिन्हा कांग्रेस सरकार के खिलाफ लिखा करते थे तो उसने सरकार को हिला कर रख दिया। बात इतनी बढ़ गई कि मैनेजमेंट ने RK सिन्हा को कहा कि बेटा, आप इतने तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारी जो बाकी कंपनियां हैं वो बंद हो जाएंगी। मजबूरन RK सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे के एवज में उन्हें 250 रुपये की राशि मिली जो उनके 2 महीने की सैलरी थी। समाज की सेवा और संघ से लगाव तब भी बहुत था जब RK सिन्हा दिन रात साइकिल से रिपोर्टिंग किया करते थे और अपने वेतन का में से 30 रुपये रखकर बाकी पैसा संघ को दान कर दिया करते थे। नौकरी के साथ साथ संघ और स्वयंसेवक संघ की सेवा भी उसी तरह से चल रही थी। जब SIS के गठन की बात होती है, वो जो पैसा मिलता है उससे यह संगठन शुरू होता है। जयप्रकाश नारायण आंदोलन होता है आने वाले दिनों में। RK सिन्हा बेशक पटना यूनिवर्सिटी के हिस्सा नहीं थे मगर AN कॉलेज में होते हुए भी उनके अंदर भी वो जोश पूरी तरह से था। उनके साथ रहने वाले पुराने लोग बताते हैं कि जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को आंदोलन में चंदा की कमी होती थी तो RK सिन्हा उनकी मदद किया करते थे, क्योंकि RK सिन्हा उस वक्त से ही पत्रकारिता में काम कर रहे थे और अपने जीवन यापन के साथ साथ कुछ पैसे सबकी सेवा के लिए भी बचा लिया करते थे। वक्त का पहिया आगे बढ़ता है और JP आंदोलन का वक्त आता है।
आंदोलन में खूब संघर्ष होता है और एक तरफ SIS भी आगे बढ़ते रहती है। जयप्रकाश नारायण के निधन के बाद आरके सिन्हा को एक बहुत बड़ा आहत पहुंचता है, मगर वो उनके सपनों पर खड़े उतरने का प्रण लेते हैं। यह कहते हैं कि JP तो हमारे बीच चले गए, लेकिन उनके विचारों को जीवित रखने के लिए हर संभव प्रयास मैं करता रहूंगा। अब साल 1980 का आता है, जब SIS एक अच्छी व्यवस्था बनने की ओर, एक बेहतर व्यवस्था बनने की ओर बढ़ता है। अभी तक समाज सेवा हो रही थी, अब इसे एक कंपनी का रूप दिया जाना था। कंपनी का रूप दिए जाने में ट्रेंड जवानों की जरूरत थी, कुछ पैसों की आवश्यकता थी, कुछ जगह चाहिए था जहां पर इनकी ट्रेनिंग्स होती। पैसों का अभाव था तो उनके एक मित्र दुर्गेश सीमेंट, यह गढ़वा झारखंड में है, वो तब बिहार का हिस्सा हुआ करता था, वहां नींव रखाता है और वहीं से काम शुरू होता है। 14 लोगों से काम बढ़कर अब 300 लोगों तक पहुंच जाता है। ट्रेंड जवानों की बहाली शुरू होती है और SIS की शुरुआत एक चर्चित एजेंसी के रूप में तब से होती है। उसके बाद यह कारवां जो है वो आगे बढ़ता जाता है। आज आरके सिन्हा के पास SIS के साथ साथ कई सारे वेंचर्स हैं जो समाज हित में लगातार काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती, जहरीले खाद्य पदार्थों से बचाने के लिए ऑर्गेनिक खेती की जा रही है, युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए आदि चित्रगुप्त फाइनेंस बैंक की स्थापना की गई है जहां लोन मिलता है, और आरके सिन्हा निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इन सालों में आरके सिन्हा को साथ मिलता है रीता किशोर सिन्हा, उनकी धर्म पत्नी का, और उसके बाद से परिवार जो है वो और आगे बढ़ता जाता है। एक बेटा एक बेटी आरके सिन्हा को होते हैं। ऋतुराज सिन्हा जो फिलहाल SIS का कार्यभार संभाले हैं, और ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं आरके सिन्हा ने बनाई। इन तमाम वक्त उनका लगाव पत्रकारिता से कभी कम नहीं हुआ। आरके सिन्हा के आर्टिकल्स आज भी आपको हर अखबारों में दिखेंगे, और हिंदुस्तान समाचार वो पत्रिका जो उस वक्त उनके यौवन में जिसके लिए वो लिखा करते थे, काम किया करते थे, आज वो हिंदुस्तान समाचार के अध्यक्ष हैं और पूरी मजबूती के साथ उसका निर्वहन कर रहे हैं। डिजिटल विंग भी उसको बनाया गया है, क्योंकि आरके सिन्हा भी वक्त की रफ्तार से बदलना जानते हैं, और आज का ज़माना जिस तरह से डिजिटल हो चुका है उस पर भी पत्रकारिता को जीवित रखने की कोशिश आरके सिन्हा कर रहे हैं। ये उनकी कहानी जो बहियारा से निकलकर पटना, पटना से दिल्ली और अब देश भर में पहुंचती है। और SIS अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी कंट्रियों का में लीडिंग एक सिक्योरिटी एजेंसी की तरह काम कर रहा है, खासकर सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में कंपनी काफ़ी ग्रो कर रही है, और आरके सिन्हा के गाइडेंस से यह सब संभव हुआ है। आपको बता दें कि बिहार के वरदान होने की जब हम बात कर रहे थे तो एक कहानी और मुझे याद आ रही है, वो ये है कि 2007 में जब ये देश, ये दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही थी, तो बिहार की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में, मजबूती प्रदान करने में आरके सिन्हा का एक अहम भूमिका रहा, क्योंकि SIS के टैक्स से ही बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान हुई। आज भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो आरके सिन्हा चला रहे हैं और बिहार और बिहारियों की खास ध्यान रख रहे हैं। अभी SIS में लगभग 2.5 लाख लोग हैं, गार्ड्स और अन्य स्टाफ को मिलाकर। ये रोजगार के क्षेत्र में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा टैक्स जो पे हो रहा है और गवर्नमेंट से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जिसने SIS को इस जगह पर बनाए रखा है, और यह सब संभव होता है एक युवक के उस आइडिया से, एक युवक के उस जुनून से जिसने इतना बड़ा सपना देखा और आज उसे पूरा भी किया। आज उनकी जन्मदिन के साथ साथ SIS का 46वां स्थापना दिवस भी है। HS बिहार की पूरी टीम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देती हैं, वो दीर्घायु हो और इसी तरह समाज हित में अपने विजन का पूरा प्रयोग कर लोगों के हित में काम करते रहें। आप HS बिहार देख रहे हैं, मैं हूं अक्षय आनंद। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे सौमित्र हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।